कि आपके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है और आपको जो है एकदम लतिया करके बाहर कर दिया कि नहीं देंगे, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कुर्सी के लिए इंतजार कर रहे हैं? आप समर्थन वापस दीजिए, हम लोग तो यही कहेंगे उनसे। लापता हो गए, बता दिया कि लापता हो गया है, कह रहे हैं कि लापता है। कहाँ नीतीश कुमार जी थे आज सदन में? अभी नहीं थे। थे अभी? नजर नहीं आए। थे, आपको नजर आया? आप लोग मीडिया वाले हैं, बता दीजिए कहीं थे। नीतीश फरार हो गए बिहार की जनता के भय से। नीतीश कुमार जी को हम कह रहे हैं कि भय में फरार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आ करके जनता के सामने आप ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप विशेष राज की दर्जा जो आपके एजेंडे में था आप लीजिएगा, केंद्र सरकार से समर्थन वापस लीजिएगा, या कुर्सी से चिपके रहने के लिए आप समझौता कर लीजिएगा। इसलिए विपक्ष का कोई नेता कहीं फरार नहीं है, विपक्ष की नेता अपनी ताकत के साथ इस सदन के अंदर है, ये उनको महसूस करा दीजिएगा जो ये बात बोल रहे थे। महागठबंधन बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है बिहार विधानमंडल मानसून सत्र के दौरान, लेकिन देखिए केंद्र सरकार के बजट में जो है बिहार को 26,000 करोड़ मिला है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक है रामबले सिंह यादव जी। 26,000 करोड़ तो मिल गया बिहार को विशेष राज्य की। वो झुंझुना जो है से बिहार ठगा नहीं जा सकता, ये बिहार है ना, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, इसलिए विशेष राज्य की दर्जा जो बिहार की जरूरत है, जो बिहार के स्वाभिमान से जुड़ गया है, जो बिहार के विकास से जुड़ गया है, वो असली जरूरत है। और बिहार के वर्तमान मुखिया, बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी के ये लंबे समय से एजेंडे में रहा है, और अब माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए केंद्र में बने रहने के लिए सरकार के साथ अगर समझौता कर लेते हैं तो बिहार कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है, और इसलिए विशेष राज्य की दर्जा के लिए नीतीश कुमार को दबाव बनाना चाहिए और जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए, और नहीं तो बिहार की जनता अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़क पर लड़ेगी, और उनके मुद्दों के साथ हम लोग आज भी सड़क पर सदन में लड़ रहे हैं, सड़क पर भी हम लोग लड़ेंगे। जदयू वाले कह रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता अब नहीं है। ना ना, वे उनकी उनकी कुर्सी की आवश्यकता हो सकती है, उनको किसी चीज की जरूरत जो है अपनी कुर्सी के लिए हो सकती है, लेकिन बिहार को तो जरूरत है ना। झारखंड अलग हो गया, झारखंड अलग होने के बाद बिहार में संसाधनों की भारी कमी हो गई, बिहार में जो आर्थिक गन्ना हुआ जातीय गन्ना के साथ, जिसमें भाजपा भी समर्थन देने की बात कर रही थी, नाटक कर रही थी, लेकिन क्या रिजल्ट निकल कर आया? 36% परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है, और सरकार ने उनको 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को देने की घोषणा किया है। तो ये जरूरत है बिहार के, राशि की जरूरत है, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, इसलिए ये स्वाभिमान से बिहार के और विकास से जुड़ गया है, और इसकी रक्षा में बिहार की जनता लड़ेगी। उस लड़ाई का नेतृत्व हम लोग करेंगे, और नीतीश कुमार को हम लोग सलाह दे सकते हैं कि आपके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है और आपको जो है एकदम लतिया करके बाहर कर दिया कि नहीं देंगे, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कुर्सी के लिए इंतजार कर रहे हैं? आप समर्थन वापस दीजिए, हम लोग तो यही कहेंगे उनसे। लापता हो गए, एफआईआर दर्ज करवाइए। नहीं, कोई ना पता के बता दिया कि लापता हो गया है। एमएलसी कह रहे हैं कि लापता है। जदयू एमएलसी दर्ज करवा रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार जी थे आज सदन में? अभी नहीं थे। थे अभी? नजर नहीं आया। थे, आपको नजर आया? आप लोग मीडिया वाले हैं, बता दीजिए कहीं थे। अरे भाई, वो माननीय सदस्य हैं, माननीय नेता हैं, उनकी कहीं व्यस्तता होगी, अभी सदन चल रहा है, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। दर्ज करवाने कह रहे हैं कि लोकेशन खोजेगी नीतीश की पुलिस। ना ना, नीतीश फरार हो गए बिहार की जनता के भय से। नीतीश कुमार जी को हम कह रहे हैं कि भय में फरार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आ करके जनता के सामने आप ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप विशेष राज्य की दर्जा जो आपके एजेंडे में था आप लीजिएगा, केंद्र सरकार से समर्थन वापस लीजिएगा, या कुर्सी से चिपके रहने के लिए आप समझौता कर लीजिएगा, इसको आप स्पष्ट कीजिए। और विपक्ष जो है पूरी तेवर के साथ, आपने देखा कि सदन में सरकार जो बिहार को झांसा देने की कोशिश कर रही थी, हम लोगों ने कहा कि बिहार के वास्तविक सवाल पर अगर बात नहीं होगी तो सदन आप कैसे चलाएंगे, और हमने देखा विपक्ष की ताकत को। इसलिए विपक्ष का कोई नेता कहीं फरार नहीं है, विपक्ष की नेता अपनी ताकत के साथ इस सदन के अंदर है, ये उनको महसूस करा दीजिएगा जो ये बात बोल रहे थे। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं कि फरार नहीं है, लापता नहीं है, और जो है तेजस्वी यादव यही है, नीतीश कुमार फरार हो गए हैं, विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे थे। 26,000 करोड़ तो मिल गया ना बिहार को अब? देखिए, 26,000 करोड़ बिहार के लिए एक भीख है, ऐसे भी बिहार के लिए केंद्र का कुछ अंश आते ही रहा है,
उतना से बिहार का काम नहीं चलेगा। बिहार को स्पेशल कटकरी दे करके उसके आधार पर बिहार का डेवलपमेंट हो, ये पुराना बिहार का मांग है। और केवल हम लोग का नहीं, बिहार की जनता ये चाहती है कि विशेष राज्य का दर्जा के माध्यम से बिहार का विकास हो। देखिए बिहार के अंदर न कोई उद्योग धंधे हैं, बिहार के अंदर 5-5 नदियों की बाढ़ से बिहार तबाह होता है, बिहार जो है समुद्र के किनारे भी नहीं है, तो कोई न पर्यटक स्थल उस तरह से डेवलप हुआ है। विभिन्न तरह से देखा जाए तो बिहार चौतरफा पिछड़ापन के कगार पर है। और बिहार के जो सेंसेक्स का भी जो रिपोर्ट आ रहा है उससे भी बिहार का साफ साफ समझ में आ रहा है कि बिहार की गरीबी बदहाली का आलम बहुत बड़ा है। अभी देखिए बिहार में आर्थिक सामाजिक जो सर्वे हुआ उसमें बिहार का 94 लाख परिवार 6000 से कम इनकम पर जी रहा है। और बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या में पलायन है। नीतीश जी कहते थे कि कागज़ लाओ, नौकरी पाओ, हम पलायन रोक देंगे। और जब ये काम नहीं हुआ तो उन्होंने ही एक लोकप्रिय मांग जो बिहार की जनता की थी उसको उठाना शुरू किया। हालांकि उसका सबसे पहले मांग जो है माले ने किया था जब बिहार का बंटवारा हुआ था। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नीतीश जी सरकार में आपके लापता हो गए हैं, FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? पहली बात तो सुन लीजिए कि सरकार में महत्वपूर्ण जगह पर रहने के बावजूद भी केंद्र सरकार के एक बैसाखी है नीतीश जी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस जदयू के लिए बहुत शर्म का बात है, नीतीश जी के लिए भी शर्म की बात है, और बिहार के भाजपा के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए शर्म की बात है। तेजस्वी को खोज क्यों नहीं रहे? FIR दर्ज करवाए, नीतीश की पुलिस खोजने के लिए तैयार है। जदयू वाले कह रहे हैं लापता हो गए हैं, आप लोग FIR नहीं दर्ज करवा रहे हैं। उनको जरूरत लगती होगी तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी की जरूरत नहीं है। समझ के सुने ना, समय के साथ वो पहुँच जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वो एकदम आपके हमारे लड़ाई के तो देते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। और ये साफ मैं कहना चाहता हूँ कि उनसे तेजस्वी, यहाँ कई तेजस्वी लोग खड़े हैं बिहार के सदन में, और पता नहीं लापता होने की क्या बात है। पिताजी का तबीयत खराब है, उसी में इलाज के संबंध में गए हुए हैं। कह रहे हैं आप लोग FIR दर्ज करवाइए, महागठबंधन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले इसका जवाब देना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाए। जदयू के लोग ये सर माननी चाहिए, समर्थन भी दे रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा नहीं, इसका जवाब है उन लोग के पास। क्यों नहीं नीतीश जी सदन में आए, इनके एक भी मंत्री सदन में क्यों नहीं आए? इसलिए कि शर्म लग रहा है इन लोगों को आकर के सामने कहने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को बिहार के जनता के सामने ये बात, अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि हम बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते हैं, और तब भी हम समर्थन देते रहेंगे। आकर के कहें नीतीश जी इनका मांग का क्या हुआ, 26,000 करोड़ का झुंझुना ले करके और कह रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ मिल गया। मैं कहना चाहता हूँ बिहार जिस हाल में है इसको बिना स्पेशल स्टेटस दिए हुए बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक। तो तमाम लोगों ने कहा है कि देखिए बिना विशेष राज्य के दर्जे के जो है बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहीं जो है तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं, FIR दर्ज करवाएंगे, इस पर भी क्या कुछ कहना था आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।